हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ की एक खूबसूरत सी पोएम है द साम ऑफ लाइफ। तो हम लोग देखते हैं द साम ऑफ लाइफ पोएम, और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो। द साम ऑफ लाइफ, साम मीन्स होता है अ रिलीजियस सॉन्ग, मीन्स भजन या कोई धार्मिक गीत। तो इसका टाइटल अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे जीवन का एक गीत। और द साम ऑफ लाइफ के जो पोएट हैं उनका नाम है एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो। तो फर्स्ट स्टैंजा इसका देखते हैं। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. तो poet कहता है कि life is real, जीवन सत्य है, means life is a truthful thing. जीवन सत्य है, life is earnest, जीवन गंभीरता पूर्ण है, means जीवन अर्थपूर्ण है, मीन्स जीवन का एक अस्तित्व है और जीवन का एक अर्थ है, मीन्स यह जीवन अर्थहीन नहीं है, तो मीनिंगफुल है, लाइफ इज मीनिंगफुल। तो लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज मीनिंगफुल, मीन्स जीवन सत्य है और जीवन अर्थपूर्ण है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका लक्ष्य नहीं है। कब्र मीन्स आदमी आता है जी इस संसार में और अंत में मर जाता है, तो कब्र उसका शरीर का लक्ष्य है, लेकिन कब्र उस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है। तो द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र इसका लक्ष्य नहीं है। तो फिर और आगे पोएट क्या कहता है, डस्ट थाउ आर्ट, तुम मिट्टी से बने हो, एंड टू डस्ट रिटर्नेस, और तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉल, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। ये किस चीज के लिए कहा गया, डस्ट थाउ आर्ट, तुम मिट्टी से बने हो, तुम मीन्स ये जो तुम्हारा शरीर है ये मिट्टी से बना है और इसको मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन ये बात आत्मा के बारे में नहीं कहा गया, क्योंकि आत्मा अमर है। द सॉल इज इमोर्टल, आत्मा अमर है, तो इसलिए डस्ट थाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस, आप मिट्टी से बने हो और आपको मिट्टी में ही मिल जाना है। यह बात इस शरीर के लिए कहा गया है, इस बॉडी के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए नहीं कहा गया। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, और फर्स्ट स्टैंजा में अगर हम राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करें तो लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट रिटर्नेस गोल सॉल, तो ये राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं। राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं, जिनमें कुछ तुकबंदी भिड़े, तुक हो लय हो, उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट दोनों कहने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, और गोल सॉल, तो ये हो गया राइमिंग वर्ड्स। ओके, सेकेंड स्टेंजा इज नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डेस्टिनी एंड आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। पोएट कहता है कि इस जीवन का लक्ष्य सुख और दुख नहीं है, नॉट enjoyment and not sorrow, सुख और दुख नहीं है, is destined end our way, हमारे जीवन का लक्ष्य, destined means हमारे भाग्य में पहले से ही लिख दिया गया, means पहले से ही निश्चित कर दिया गया, already decided, it means सुख और दुख, हमारे जीवन का लक्ष्य सुख और दुख नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का लक्ष्य टू एक्ट, ऐसे कार्य करना है, दैट इज टुमारो, कि हर आने वाले कल में फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हम अपने आप को आज से और अधिक आगे पाएं, इट मींस दिन प्रतिदिन हम विकास के नए नए आयाम गढ़ते चले जाएं, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं, तो ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। ओके, अगर इसमें हम राइमिंग पेयर फाइंड आउट करेंगे तो सारो राइम्स विद टुमारो, पहली लाइन में सारो, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डेस्टिनी एंड आवर वे, बट टू एक दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, तो वहां पर वे और टुडे और सारो और टुमारो ये राइमिंग पेयर हो जाएंगे इस स्टैंजा के। थर्ड स्टैंजा देखते हैं, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द रिव्यू ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। पोएट कहता है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, इस संसार को कवि ने क्या कहा, विशाल युद्ध का मैदान। विशाल युद्ध का मैदान क्यों कहा, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति को, हर जीव को
हर क्षण संघर्ष करना पड़ता है। तो इस संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, इन द रिव्यू ऑफ लाइफ, जीवन के इस पड़ाव में, कौन सा पड़ाव मीन्स जो ये शरीर है तुम्हारा, ये जीवन का एक पड़ाव है, ये अस्थाई डेरा है। बिब्यू बोलते हैं सैनिकों के टेम्पररी कैंप जो डालते हैं, जो टेंट लगाते हैं, जो अस्थाई होता है। तो अस्थाई शरीर, ये शरीर क्या है तुम्हारा, अस्थाई डेरा है, अस्थाई टेंट, जैसे सैनिकों का एक डेरा होता है। तो जीवन के इस पड़ाव में जो लंगर डालते हैं सैनिक लोग, पड़ाव डालते हैं, उसको बोलते हैं बिब्यू। तो जीवन के इस पड़ाव में, इस संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, जीवन के इस पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल। बी नॉट माने मत बनो लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, गूंगे और ड्रिवन मीन्स दूसरों के द्वारा हाके जाने वाले, दूसरों के द्वारा चलाए जाने वाले, दूसरों के द्वारा नियंत्रित होने वाले, इट मीन्स गुलाम। तो गूंगे और गुलाम पशु मत बनो, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि संघर्ष में तुम एक नायक बनो। नायक क्या करता है कि जीवन की हर परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए और अंत में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही नायक होता है। तो बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, तुम संघर्ष में एक नायक बनो। ओके, फिर से स्टेंजा कर देखते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, इन द रिव्यू ऑफ लाइफ, जीवन के इस पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, गूंगे और गुलाम पशु मत बनो, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में तुम एक नायक बनो। इट्स ओके। और लास्ट स्टेंजा जो है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फील्ड। पोएट कहता है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो इन चीजों के लिए करने के लिए हमें क्या करना है, तब हमें उठना है, एंड डूइंग और अपने कर्तव्य को करना है, तब हमें उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्तव्य को करना चाहिए। विद हर्ट, दिल से, मीन्स अनमने मन से नहीं, दिल से करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निर्वहन हमें दिल से करना चाहिए। किस चीज के लिए, अगर हमें हीरो बनना है तो, अगर हमें हर प्रकार की परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए विजय प्राप्त करना है तो, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तब हमें उठना चाहिए और हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए विद हर्ट, दिल से, फॉर एनी फेट, किसी भी प्रकार के भाग्य के लिए, मीन्स भाग्य कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हर प्रकार की परिस्थिति में दिल से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, उपलब्धियों को स्टिल परसुइंग, अनुसरित करते हुए, मीन्स उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए लर्न टू लेबर, हमें मेहनत करना सीखना चाहिए, एंड टू वेट, और हमें फल का इंतजार करना सीखना चाहिए। इट्स ओके। तो इस तरह से हमारे चार स्टेंजाज हो गए और ये पोएम हमारी फिनिश हो गई। इस पर बेस्ड जो आपके बुक में क्वेश्चन आंसर हैं, उनको आप लोग अच्छे से समझते हुए राइट कर लो। और लास्ट स्टेंजा को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, पोएट कहता है तब हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, मीन्स अपने कर्म को करना चाहिए। विद हर्ट माने कैसे, दिल से, मीन्स अगर हम कर्तव्य को दिल से करेंगे तभी हम विजय प्राप्त करेंगे, तभी हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अगर अनमने मन से किया गया काम कभी पूर्ण रूप से सफल परिणाम नहीं देता है, इसलिए हमें हर और आगे क्या करा है, फॉर एनी फेट, मीन्स हमें भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, हमें परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है, भाग्य कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, हर प्रकार की परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। जैसे इस समय कोरोना की परिस्थिति है, स्कूल कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं, तो क्या हम कोरोना का रोना रोएंगे क्या, हमें अपने कर्तव्य को करना है, मीन्स यू आर ए स्टूडेंट, इसलिए आपको पढ़ना ही होगा, हमें कोरोना का बहाना नहीं बनाना है, हमें पढ़ना है, कोरोना मजबूरी है तो ऑनलाइन पढ़ाई जरूरी है, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम परिस्थिति का रोना रोएंगे और हम सफल हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए परिस्थितियों का हमें रोना नहीं रोना है, वी हैव टू डू अवर ड्यूटी फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, उसको अपने अनुकूल सर्कमस्टेंसेस को बनाना है, विषम परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन हमें करना है, तभी हम आगे जीवन में सफल हो पाएंगे। तो वही सब कह रहा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तब हमें आगे बढ़ना चाहिए, एंड डूइंग और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कर्तव्य, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। विद हर्ट, दिल से, फॉर एनी फेट, किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी भाग्य के लिए, और स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, उपलब्धियों का अनुसरण करते हुए,
लर्न टू लेबर, हमें मेहनत करना सीखना चाहिए, एंड टू वेट और परिणाम का इंतजार करना सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेहनत करना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी अगर हम दिल से मेहनत करेंगे तो परिणाम हमारे अनुकूल ही आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू।